की सुविधाओं से युक्त मैरिज गार्डन और रेस्टोरेंट शहर से लगा हुआ सबसे अच्छा विकल्प। हमारा पता है रानी दुर्गावती वार्ड क्रमांक 1 सैमराबाग सागर। कानून व्यवस्था चाहे जितनी भी सख्त हो जाए लेकिन दबंगों का कहर कम नहीं होता। स्थानीय पुलिस की लचर कार्य प्रणाली के चलते ग्रामीणों को पुलिस अधीक्षक की चौखट पर आना ही पड़ता है, जिससे पता चलता है कि किस तरह स्थानीय पुलिस अपने क्षेत्र में लोगों का विश्वास नहीं जी पा रही है। ऐसा ही एक मामला बुधवार को देखने को मिला, जिसमें देवरी विधायक हर्ष यादव के साथ केसली के जैन समाज के कुछ लोगों ने दबंगों के द्वारा स्थानीय जैन परिवार को डराने धमकाने को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आवेदक अनिल जैन पिता प्रेमचंद जैन निवासी केसली ने बताया कि आरोपी गण सुधीर भाई राजपूत, पिता विजय भाई राजपूत, अतुल राजपूत, पिता सुधीर भाई राजपूत, हनी राजपूत, सभी निवासी वार्ड नंबर 9 केसली एवं अन्य इनके साथियों द्वारा मुझे व मेरे परिवार को झूठे मामले में फंसाने, जान से मारने की धमकी देने के साथ ही साथ पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ की गई। आवेदक ने बताया कि आरोपी गणों द्वारा उसकी निजी भूमि पर अवैध निर्माण एवं 78/1 के बैनामा को शून्य कराने हेतु एवं वन विभाग की भूमि पर जबरन कब्जे के संबंध में झूठे मामले सिविल एवं राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, जो निरस्त किए जा चुके हैं। इसके बाद भी आरोपियों द्वारा जबरन भूमि पर कब्जा कर परेशान किया जा रहा है। अनिल जैन ने आवेदन के माध्यम से बताया कि अपनी निजी भूमि पर 77/1 एवं 78/1 के संबंध में व्यवहार प्रस्तुत हैं, जिसमें आवेदक के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किया गया है। आवेदन में बताया कि आरोपीगण राजनीतिक पहुँच रखने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है, जिनके विरोध ग्राम केसली की शासकीय भूमि खसरा नंबर 74/1, 100 एवं 314 पर बियर हाउस, पेट्रोल पंप, मकान निर्मित कर बेजा कब्जा किया गया है। उक्त शासकीय भूमि पर आरोपी गण को बेदखल किए जाने का आदेश पारित किए जा चुके हैं। इसके साथ ही आरोपी गणों के विरोध ग्राम धाना में हरिजन वर्ग के व्यक्तियों की भूमि पर फर्जी बैनामा एवं मारपीट, घर गृहस्थी के सामान में आग लगाए जाने एवं जातिगत अपमान के संबंध में थाना केसली में SC/ST एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जा चुका है। आवेदक ने बताया कि उसके पेट्रोल पंप के ऑफिस के कांच तोड़ दिए गए, कर्मचारियों के साथ अभद्रता व मारपीट करने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त आवेदक के घर के सामने पहुंचकर गाली गलौज की एवं जान से खत्म करने की धमकी दी। इस कारण आवेदक अनिल जैन ने बताया कि अनावेदक गण आपराधिक एवं राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसका वे उपयोग कर आवेदक व उसके परिवार के साथ कोई भी गंभीर वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ज्ञापन के माध्यम से आवेदक अनिल जैन ने SP से मांग की है कि उसे व उसके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जावे, साथ ही अनावेदक गण के विरोध दंडात्मक कार्यवाही की जावे। कहाँ से आई यहाँ? क्या समस्या लेके आई थी SP ऑफिस? यहाँ पे मालूम है जितने लोग हैं बहुत परेशान हैंगे, बहुत ज्यादा ना ही मालूम पंचायत में काम होते हैं, ठीक है, कोई भी प्रकार से। हमारे यहाँ के सुधीर भाई राजपूत हैंगे, उनके लड़के सानू राजपूत, उनके दो नाम चलते हैं, अतुल राजपूत और हनी राजपूत, इनका मालूम है बहुत बहुत बुरी तरीका से मालूम डरावना दबंगियाई पूरी केसली में दबंगियाई करते हैं, और गरीब आदमी पर मालूम बहुत अत्याचार करते हैं। कोई पंचायत जाता है तो ना ही कोई काम होता है, बार बार जाते रहते हैं और ज्यादा परेशान करते हैं। जो भी खड़ेगा कोई भी प्रकार की समस्या लेके थाने जाते हैं तो कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि जो उनके मित्र लोग हैं जो घूस देकर पैसे देकर खरीद लेते हैं, उनके मकान में किराए से रहते हैं आधे पुलिस वाले, तो मालूम उन्हीं की बात मानते हैं, गरीबों की कोई भी सुनवाई नहीं। तो आप थाने गई थी तो वहाँ पर रिपोर्ट हुई है क्या? वहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुई हमारी, हम यहाँ दोबारा आए हैं, मालूम है SP ऑफिस मंगलवार को आए थे करीब 15 दिन पहले, तो कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा क्या मामला देखने में आ रहा कि कार्रवाई नहीं हो रही है? पता नहीं, वहाँ पे पाठक जी आएंगे, वो मालूम है गाली देते हैं, महिलाओं गाली दे देते हैं, बोलो कौन है ये पाठक? पाठक वहीं के आएंगे जो भी हैं, थाने में बैठते हैं, ना TI बोलता है, उनकी आंखों नहीं बोलता है, जो उनके मन में आता है बोल देते हैं। वो कोई नेता ही था है क्या? पता नहीं,
मतलब कल परसों की बात है कि इतनी बदतमीजी की बोल रहे थे हम गाड़ देंगे जो औरत हो या लेडीज हो, मालूम है हम जिंदा जला देंगे। ये कहाँ पे बोला था आपसे? थाने में, हम थाने में बैठे थे सर। किस थाने में बोला था? किस लिए थाने में? तो आप लोगों ने इसकी शिकायत की? हाँ शिकायत की, लेकिन मालूम कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही, हम फिर भी आए हैं यहाँ पे। अब आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमें कार्रवाई चाहिए और इंसाफ चाहिए हमें, और इंसाफ हम लेके रहेंगे सर। अगर इसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम भोपाल तक जाएंगे सर। एसपी ऑफिस हम इसलिए आए हैं, हम लोग में ग्राम अमोंदा थाना केसली तहसील केसली का रहने वाला हूँ, और जिस तरीके का हमारा केसली नगर में अराजकता का माहौल एक भूमाफिया के द्वारा चंद लोगों को लेकर बनाया गया है, शराब माफिया के द्वारा बनाया गया है, उसके खिलाफ हम एसपी साहब को बताने के लिए आए थे। क्या घटना हुई थी वहाँ पर? जैसा कि अभी हमारे पूर्व में अनिल सिंह जी ने बताया, मैं चूंकि जनप्रतिनिधि हूँ, लोधी समाज का कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, जनसेवा करना हमारा काम है। मैं उस दिन केसरी में ही था, मुझे जैसे ही पता चला कि अनिल सिंह जो हमारे विधायक प्रतिनिधि हैं उनके घर पे असामाजिक तत्वों ने हमला किया है, तो मुझे जैसे सूचना मिली तो मैंने सबसे पहले थाना प्रभारी जी को सूचना दी और मैं सीधा इनके घर पे पहुंचा। तब तक आरोपी वहां से जा चुके थे, वहां जाके पता चला, लोगों ने बताया, परिवार के लोगों ने बताया कि गुंडे आए थे, लट थे, तलवार। तो इसकी आपने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी? जब हम उसके बाद हम थाने एफआईआर दर्ज कराने गए तो थाने में जो सबसे पहले देखा कि एफआईआर दर्ज कराने में 3 से 4 घंटे का टाइम लिया गया, और बहुत मुश्किल से बहुत ही नॉमिनल धाराओं में मामला दर्ज हुआ। जब मामला दर्ज हो रहा था उसी दौरान में सांसद प्रतिनिधि कहते हुए शराब के नशे में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है उमेश श्रीवास्तव। ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। उस समय थाना परिसर में थाना प्रभारी घोड़झामर, थाना प्रभारी केसली और साथ में एडिशनल एसपी जो यहाँ पे ज्योति ठाकुर जी हैं वो वहाँ थी। उसके बाद जान से मारने की धमकी दी गई, अनिल सिंह के ऊपर झपट्टा मारा गया, कालर पकड़ी गई, धक्का दिया गया, माँ बहन की गंदी गंदी पूरी जैन समाज से गालियां दी गई। लोग थे जो मारपीट कर रहे थे? मारपीट कर रहे थे उमेश श्रीवास्तव, दमोह के जो सांसद हैं प्रहलाद पटेल जी उनके सांसद प्रतिनिधि हैं। ये आरोपी सुधीर राजपूत को ले गए, और ये घटना होने के बाद फरियादी लोगों पे हमारे जो रैली संघ इन लोगों के घर पर जो हम लोग थे फरियादियों पे एक मामला दर्ज करवा दिया और हम लोगों को धक्के मार के निकाल के थाने से बाहर कर। अभी आप एसपी ऑफिस आए हुए थे तो क्या बात हुई है, क्या आश्वासन मिला? आपको सारी बात बताई है, पर चूंकि एसपी साहब को मुझे लगता नहीं कि एसपी साहब यहाँ बैठे हुए, एसपी साहब ने कोई संज्ञान लिया है घटना का, इतना बड़ा वहाँ हो गया है, इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, एक आतंक और भय का माहौल है, गांव गांव शराब बिक रही, पर एसपी साहब की बातों से मुझे लगता नहीं कि उन्होंने एक मुखिया के नाते कोई संज्ञान लिया है। तो अगर इसके बाद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या उठाई? हम लोग तो जमाने से लड़ते आए हैं, इंकलाबी लोग हैं, सड़कों पर उतरेंगे, इंकलाबी तरीके गांधीवादी तरीके की विचारधारा के लोग हैं, और हम इसको इन माफियाओं का राज को खत्म करेंगे जो माफिया सक्रिय हुई है।